अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभान तारिक है और आप देख रहे हैं लेट्स एंड कवर। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप चॉक बोर्ड डिज़ाइन बना के उसे किस तरीके से सेल कर सकते हैं। फाइवर के अलावा कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जिस पे आप उसको सेल कर सकते हैं, और ये टोटली फ्री है बनाने में। इसके दो वेज मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि आप उन दो वेज से चॉक बोर्ड डिज़ाइन किस तरीके से बना सकते हैं। दो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो गाइज, ये वीडियो भी फाइवर की आइडिया सीरीज़ की ही वीडियो है। उस सीरीज़ का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने अगर वो पुरानी वीडियोस नहीं देखी जिसमें मैं आप लोगों के साथ छोटे छोटे स्किल्स शेयर करता हूँ, वो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक में देख सकते हैं। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ बता दूँ कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होती हैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने में, ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करने में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, आपको समझ नहीं आ रही कि आप अर्निंग किस जगह से स्टार्ट करें, तो मैं आप लोगों को वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। तो वैसे हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए और यहाँ पर आप लोगों को मैं वही चीज़ बताने लगा हूँ। चॉक बोर्ड यहाँ पर हम लिखेंगे, तो आप यहाँ पर आके चॉक बोर्ड यहाँ पर सर्च करें। सर्च करेंगे तो आप लोगों के पास जस्ट 64 सर्विसेज मिलेंगी। तो आप यहाँ देखें कि लोगों के पास बड़े अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं। हम ज़रा करेंसी को चेंज कर देते हैं, USD में करते हैं, ताकि हमें समझ आए कितने डॉलर्स में सेल कर रहे हैं। तो एज़ यू कैन सी, ये $10 में, $10 मोस्टली $100, और ये $10 में ही मोस्टली ये सर्विस सेल हो रही है। तो आप इस सर्विस को सेम इसी तरीके से किस तरीके से बना के सेल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो वेज बताऊँगा। एक वे तो ये हो गया फाइवर वाला। अगर आपको फाइवर के ऊपर समझ नहीं आ रही कि आपने गिग कैसे बनानी है, तो फाइवर मेथडोलॉजी सीरीज़ का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वो वीडियोस देख लीजिएगा, इजीली आप गिग क्रिएट कर सकते हैं उस वीडियोस को देख के, कोई मसला नहीं होगा आपको। तो गाइस, फाइवर से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को फेस हो रही है तो कमेंट करें, मैं आप लोगों को फर्स्ट 50 कमेंट्स का जवाब दूंगा और डिटेल में आप लोगों को आपके क्वेश्चंस का आंसर भी दूंगा। और मैं यहाँ पे आप लोगों को ये स्पेसिफिक सर्विस किस तरीके से आप फाइवर के अलावा खुद क्लाइंट्स ढूंढ के किस तरीके से उनको सेल कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को अभी डिटेल के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि आप किस तरीके से क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं इस स्पेसिफिक गिग के लिए, और बड़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं उससे। तो गाइस, पहले नंबर पे जो वेबसाइट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसमें मैं दो वेबसाइट्स आप लोगों को बताऊंगा। पहले नंबर पे मैं कैनवा को आपको बता देता हूँ। कैनवा में आप भी ये डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो मैं दूसरी वेबसाइट बताऊंगा वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं आगे चॉक बोर्ड। तो एज यू कैन सी, चॉक बोर्ड टेम्पलेट्स लिखा हुआ है, हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये देखें इस तरह के चॉक बोर्ड टेम्पलेट्स आ जाएंगे, और आप इनको एडिट करके क्लाइंट्स को सेल कर सकते हैं। तो मोस्टली जो चॉक बोर्ड्स होते हैं वो यूज़ होते हैं जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उनके, जो USA और इधर उधर के जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स यूज़ होते हैं, ये वहाँ पे एक मेन्यू कार्ड के तौर पे यूज़ होता है। मेन्यू कार्ड भी होता है और ये वॉल के ऊपर एक डिज़ाइन भी लगाते हैं जिसमें चॉक बोर्ड से ऐसे लिखा होता है, तो वो एक बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन लगता था। इसलिए आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे बहुत सारी इस तरह की चीज़ें परचेज़ करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑर्डर्स बहुत सारे आए हैं। ये देखें, चॉक बोर्ड मेन्यू ये सेल कर रहा है। हम मेन्यू भी बना सकते हैं और जो चॉक बोर्ड का एक पोस्टर है वो भी बना सकते हैं। ये देखें, जैसे ये चॉक बोर्ड मेन्यू और पोस्टर भी ये डिज़ाइन कर रहा है, तो 192 इसके पास ऑर्डर्स आ चुके हैं। तो एक तो ये सर्विस होगी, आपने जस्ट ये करना है कि यहाँ पे चेंज कर देना है चीज़ें, ठीक है। या आप इस पर ईजिली इसको आपने यहाँ से जूम कर देना है, 100 पे ले आइएगा और ये आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे आपको जो क्लाइंट आपको चीज़ें बताएगा आपने यहाँ पे उसकी प्राइस चेंज कर देनी है। और आपने, और यहाँ पे आप एक और चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये पेड वर्जन है इसका, तो ये आप ये देखिए रिमूव वाटर मार्क के लिए आपको पे करना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए स्पेसिफिक। ये जो चीज़ें लगी हुई हैं आप इनको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक को डिलीट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे आपको एलिमेंट्स नज़र आ रहे होंगे, एलिमेंट्स में जाके रिसेंटली यूज़ में, जैसे कि मैंने अभी ट्राई किया था, आप यहाँ पे पिज़्ज़ा लिखें तो ट्राई करें। आपको बस देखें कि यहाँ पे जो ये फ्री लिखा हुआ आ रहा है, ये जो फ्री हिस्सा लिखा हुआ है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल इसको यूज़ करते हैं। तो अभी इसका एक और तरीका है, क्योंकि ये देखें पीछे ज़रा थोड़ा सा ब्लर टाइप में आ रहा था, तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा इसी स्टाइल में लेके आएंगे। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर लगा दिया, इसको और छोटा करके डिज़ाइन एक अच्छा सा कर लिया। अब इसको आपने ये करना है कि आपने ये ट्रांसपेरेंसी में आपने इसको थोड़ा सा कम कर देना है। तो अब ये देखें, एक प्यारी सी लुक आ रही है, जैसे कि पहले लुक थी उसी तरह की लुक यहाँ पे अब आ रही है। तो ये जितने भी वाटर मार्क वाले हैं ये चीज़ें आप डिलीट कर देंगे। तो डिलीट करने के बाद आपने यहाँ से, या तो ये एक को ही बार बार इन जगहों के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं, वरना यहाँ पर फ्री वाले, ये देखें जैसे कि मैं इसको लगा लेता हूँ, आप इसको यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करेंगे
तो ये एक बड़ा अच्छा सा डिज़ाइन हो जाएगा। तो आप इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। तो इस एलिमेंट के अंदर तीन एक कलर्स यूज़ हुए हैं, चार कलर्स, तो आप इनको चेंज कर सकते हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने जैसे जैसे डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड से पहले आप लोगों को ये वाली जो चीज़ें हैं, ये जो जिस पे वाटर मार्क लगा हुआ है, ये सब डिलीट करनी पड़ेंगी। और गाइस पहला तरीका तो ये हो गया। अब हम आते हैं दूसरे तरीके पे। उस वेबसाइट का नाम मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। तो वेबसाइट का नाम है पोस्टर माय वॉल। अब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आप ये देखेंगे, फर्स्ट वेबसाइट पे आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आप लोगों के पास ये बहुत सारे टेम्पलेट्स आ गए हैं। आपने देखना है, अब आपने करना यह है कि आपने इधर डिज़ाइन के अंदर आके चॉक बोर्ड सर्च करना है, ठीक है। ये सर्च करें यहाँ पे और आप ये देखें कि आपके पास चॉक बोर्ड के जो पोस्टर्स होते हैं, बहुत सारे पोस्टर्स आ गए हैं। यहाँ पे आप चॉक बोर्ड मेन्यू भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो पोस्टर्स होते हैं ये मेन्यू के तौर पर भी यूज़ होते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था अभी। ये देखें, ये पोस्टर स्टाइल के अंदर है लेकिन ये मेन्यू टाइप में यूज़ हुआ हुआ है। ये देखें, ये भी मेन्यू है एक्चुअली। तो इस तरह से हम इसके अंदर एक और प्रॉब्लम है, ये जो सॉफ्टवेयर है जो मैं आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, ये पेड सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है। लेकिन इसको फ्री में यूज़ करने का मैं तरीका आप लोगों को बताऊँगा अभी। तो हम फॉर एग्जांपल किसी एक सर्विस को उठा लेते हैं, इस सर्विस को उठा लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कस्टमाइज टेम्पलेट करेंगे। तो आपने करना यह है कि आपने चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा ऊपर कर देना है। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आइटम लॉक होगा। आपने इस पर क्लिक करने के बाद अनलॉक इट पे क्लिक करना है। तो आप ये देखें, आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। तो नीचे वाले को भी आप इसको भी अनलॉक करके और यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आ सकते हैं। इसकी रीज़न मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। अगर हम इसको भी यूज़ करें, देखें, इसको भी हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं। अब आपने करना यह है कि आपको जो आपका क्लाइंट कहे, आपने उस तरीके से इसको एडिट करके और क्लाइंट को सबमिट करवाना है। लेकिन सबमिट करवाने से पहले एक और चीज़ जो आपको अपने जहन में रखनी पड़ेगी वो ये कि यहाँ पे आप छोटा सा ये हिस्सा देख सकते हैं, इसके ऊपर एक वाटर मार्क लगा हुआ है। आपने ये वाटर मार्क भी रिमूव करना है। तो अब जब इसको मैंने इसलिए थोड़ा थोड़ा ऊपर करवाया कि हम अभी ये हिस्सा मैं आप लोगों को बताऊँगा ये रिमूव किस तरीके से करना है। इसको आप डाउनलोड करेंगे तो आपने इसे डाउनलोड कर लेना है, फ्री वाला वर्जन आपने डाउनलोड कर लेना है। ये आपके पास एक वो डिज़ाइन आ गया। अब आपने ये हिस्सा जो है इसको रिमूव करना है। कर आप ये सकते हैं कि ये यहाँ पे जब आप विंडोज़ ओपन करेंगे तो आपके पास क्रॉप का ऑप्शन आ रहा होगा या फिर एडिट का ऑप्शन आ रहा होगा। आप जस्ट इस पर जाएंगे, आपने इसको क्रॉप कर लेना है। ये बना हुआ आ गया, आपने इसको थोड़ा सा यहाँ से ऊपर किया, ठीक है, और ये आपका खूबसूरत सा डिज़ाइन सेव और कॉपी कर दें। तो आप इसे डेस्कटॉप के ऊपर हम अगर सेव कर लेते हैं इसे, ये हमने इसको यहाँ पे जिसका वाटर मार्क था वो हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपने इस डिज़ाइन को किस तरीके से, एक तो फाइवर के ऊपर सेल कर सकते हैं, फाइवर मेथडोलॉजी सीरीज देख के और गिग्स को क्रिएट करके, एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ वो ये है कि आपने गूगल से इससे रिलेटेड क्लाइंट्स को फाइंड करना है। वो किस तरीके से फाइंड करना है, अब वो वीडियो में आप आगे देखते जाइएगा। फॉर एग्जाम्पल हम गूगल ओपन कर लेते हैं। तो गाइस आपने गूगल के ऊपर सर्च करना है रेस्टोरेंट्स इन कैलिफोर्निया। अब आप जब ये सर्च करेंगे तो मोस्टली आपके जो इर्द गिर्द जितने भी रेस्टोरेंट्स होंगे कैलिफोर्निया नेम के, आपके वो सामने आ जाएंगे। आपको करना ये है कि आपने सेटिंग्स के अंदर जाना है और यहाँ से एडवांस सर्च के अंदर जाना है। एडवांस सर्च में जाने के बाद आपने एनी रीजन पे, अब यहाँ पे आप यूरोप की कोई कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। वैसे मैं मोस्टली आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यूएसए को टारगेट करें, तो यूएसए के अलावा भी बहुत सारी जगह आप उनको टारगेट कर सकते हैं। तो आपने यूएसए को क्लिक करके आप इस पे एडवांस सर्च के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब जो भी रेस्टोरेंट्स आप लोगों के सामने आ रहे हैं उन सब की जो लोकेशन है वो यूएसए है। अब आपने मोर प्लेसेस पर क्लिक कर देना है। अच्छा, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, रेस्टोरेंट्स इन कैलिफोर्निया की जगह आप यहाँ पे कैलिफोर्निया की कोई सिटी भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ कैलिफोर्निया, ये तो एक स्टेट का नेम है। आप यहाँ पे कैलिफोर्निया सिटीज़ देख सकते हैं, बहुत सारी आपके पास सिटी आ जाएंगी। आपने ये करना है कि कोई एक यहाँ पे आप सिटी को टारगेट कर सकते हैं और यहाँ पे उस सिटी का नेम लिख सकते हैं, रेस्टोरेंट्स इन जो भी सिटी आपका दिल करे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने मोर प्लेसेस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास ये रेस्टोरेंट्स आ जाएंगे। ये देखिए, ये लोकेशन वाइज रेस्टोरेंट्स आए हैं। आपने करना ये है कि आप इन पे इस पर क्लिक करें। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल के तौर पर हम इसकी वेबसाइट आपने ओपन करनी है। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म है और ये फेसबुक है। आपने पहले कॉन्टैक्ट में चले जाना है। कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो और उसके साथ में आप फेसबुक भी ओपन कर लें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ईमेल एड्रेस इनका दिया हुआ है, एक आपने एक एक्सेल की शीट बनानी है उसके अंदर ये ईमेल एड्रेस आपने लिख लेना है। और यहाँ पे ये जो फेसबुक है, फेसबुक में आके इसके अबाउट के सेक्शन के अंदर आप जाएंगे
अबाउट के सेक्शन के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल ईमेल एड्रेस यहाँ पे ना दिया हो तो आप फेसबुक से इजीली इसका ईमेल फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से आपने जितने भी रेस्टोरेंट्स यहाँ पे ये शो कर रहा है उस सिटी के हिसाब से, ये देखिए तो बहुत सारी शो कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कैलिफोर्निया स्टेट को टारगेट की है, लेकिन अगर आप सिटी को टारगेट करेंगे तो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स जो हैं वो जितने उस सिटी के अंदर रेस्टोरेंट्स होंगे उसी की डिटेल देगा। और मोस्टली जो यूएसए के लोग होते हैं जब वो वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें ईमेल एड्रेस लाजमी अपने ऐड करते हैं, वरना फेसबुक में भी लाजमी ईमेल एड्रेस होता है। तो अब आप लोगों ने इन लोगों को जितनी भी ईमेल एड्रेस एक दिन के अंदर आप इकट्ठी कर लेंगे उन सबको आपने ईमेल करनी है। सबके लिए ईमेल डिफरेंट होगी क्योंकि आप उसके अंदर उसके जो रेस्टोरेंट का नेम है और वो आपने लाजमी मेंशन करना है। उसके बाद आप अपनी सर्विस जो है उसके एक दो डिज़ाइंस आप यहाँ से जो मैंने आप लोगों को भी वेबसाइट बताई है तो आप पोस्टर माई वॉल से चंद एक आप डिज़ाइंस इकट्ठे कर लें और कुछ आप कैनवास इकट्ठे कर सकते हैं। तो आपने ये दो तीन डिज़ाइंस आपने उनको ईमेल के अंदर सेंड करने हैं और ईमेल के अंदर ये भी लिखना है कि अगर आपको इस तरह के डिज़ाइंस चाहिए तो मैं आप लोगों को इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं $5 के अंदर इतने बना के दे दूंगा या फिर $10 में दो बनाऊंगा या तीन बनाऊंगा, जो आपका दिल करे जिस तरीके से आप इसको रखना चाहें। तो गाइज आप $35 से $65 तक अर्न कर सकते हैं प्रेजेंटेशन को सेल करके। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी प्रेजेंटेशन वाली तो यहीं कहीं लिंक दे रहा हूँ आप लोगों को, उस पर लिंक पर क्लिक करें और जाकर वो वीडियो देखिएगा। तो गाइस अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई आप लोगों का क्वेश्चन है वहाँ आप लोगों को जवाब दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।